स्टूडेंट्स हम इस मॉड्यूल में बात करेंगे फेस एंड कंटेंट वैलिडिटी की व्हाट इज़ अ फेस वैलिडिटी? अ फेस वैलिडिटी इज़ अ टाइप ऑफ वैलिडिटी इन विच एन इंडिकेटर मेक सेंस एज अ मैयर ऑफ अ कॉन्स्ट्रैक्ट इन द जजमेंट ऑफ अदर्स स्पेशली इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। यानी हमने अपने वेरिएबल को uh, मैयर करने के लिए जो स्केल डेवलप किया और उस स्केल में जो हमने आइटम्स यूज़ की हैं वो कितनी रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ़ द वेरिएबल इसको हम चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिस्कसिंग विद द साइंटिफिक कम्युनिटी, बाय डिस्कसिंग द एक्सपर्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी क्या उनको ये लगता है कि ये आइटम्स जो डेवलप की गई हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ़ द वेरिएबल भी हैं कि नहीं हैं तो इसके लिए उनके साथ वो स्केल शेयर किया जाता है और उनसे इसका फीडबैक लिया जाता है कि वट इज़ देयर फीडबैक इन दिस रिकार्ड तो ये इस तरीके से हम चेक करते हैं उसकी फेस वैलिडिटी कि फॉर इंस्टेंस डू पीपल बिलीव दैट द डेफिनेशन एंड मेथड ऑफ मेयरमेंट फिट इन यानी कि जो हमने मेयर बनाया है स्केल बनाया है और जो उस आ, वेरिएबल uh, की थेरेटिकल डेफिनेशन है और जैसे हमने उसको कॉन्सेपचुअलाइज किया है क्या दोनों एक दूसरे के रिप्रजेंटेटिव हैं इन दी आइज़ ऑफ एक्सपर्ट्स और नॉट तो इसको चेक किया जाता है फेस वेलिडिटी में फॉर uh, इंस्टेंस अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि हमारे पास एक वेरिएबल है सेल्फ कॉन्फिडेंस का तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को मैयर करने के लिए हमने जो कॉन्सक्ट है वो उसके लिए हमने कोई सेवन टू टेन आइटम्स बताई और उन सेवन टू टेन आइटम्स को हमने साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ शेयर किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि लेट अस टेल व्हाट आर द बेस्ट फाइव आइटम्स टू मईर दिस वेरिएबल तो वो हो सकता है कि डिफरेंट जो आपके एक्सपर्ट्स हैं वो उसको रैंक आउट कर दें कि दीज फाइव आइटम्स आर मोर सुटेबल एज़ कम्पेयर टू द अदर आइटम्स तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि कौन सी मोस्ट सूटेड आइटम्स हैं आपके स्केल में और उनसे पांच या सात आइटम्स को फिर आप जो है अपने स्केल में रख के उनसे जो है रिस्पोंडेंट से डाटा ले सकते हैं फेस वैलिडिटी जो है वो स्केल की डाटा कलेक्शन से पहले चेक की जाती है जो बाकी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी हैं वो डाटा आने के बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं मगर जो फेस वैलिडिटी है ये डाटा कलेक्शन से पहले चेक की जाती है जैसे इसकी एक एग्ज़ाम्पल है मैथ एबिलिटी ऑफ़ द स्टूडेंट तो इसके लिए हो सकता है कि सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी सेकेंडरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट स्केल्स हों और उनकी एबिलिटी को चेक करने के लिए स्कूल लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर हम डिफरेंट स्केल डेवलप करके साइंटिफिक कम्यूनिटी के साथ शेयर करें कि बताएँ ये कितने रिप्रजेंटेटिव हैं टू असेस द मैथ एबिलिटी ऑफ़ द स्टूडेंट एट द स्कूल लेवल एंड एट द यूनिवर्सिटी लेवल द सेकेंड टाइप इज़ कॉन्टेंट वैलिडिटी कॉन्टेंट वैलिडिटी इज़ अ टाइप ऑफ मैयरमेंट वैलिडिटी दैट रिक्वायर्स आ मैयर रिप्रजेंट ऑल आस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेपचुअल डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्स्टक्ट तो हम इसमें देखते हैं कि जो थ्रेटिकल हमारी डेफिनेशन है क्या जो हमने मैयर डवेलप किया है वो उसमें उसकी थरेटिकल डेफिनेशन की जो सारी डायमेंशंस हैं या जो उसके सारे एस्पेक्ट हैं उनको हमने कन्वर्ट किया है स्केल में कि नहीं तो इसको चेक करने के लिए हम जो है वो कंटेंट वैलिडिटी देखते हैं तो कंटेंट वैलिडिटी में तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फर्स्ट स्टेप स्पेसिफाई द कंटेंट इन अ कंस्ट्रक्ट डेफिनेशन यानी हम कंस्ट्रक्ट डेफिनेशन में ही उसको कॉन्सेपचुलाइज करते वक्त ही साथ ऑपरेशनलाइज कर रहे होते हैं कि भाई इसको हम कैसे मैयर करेंगे सैम्पल फ्रॉम ऑल एरियाज ऑफ द डेफिनेशन यानी हम अपनी जो डेफिनेशन बना रहे हैं उसमें तमाम डायमेंशंस दे, दे, को हम लेकर आएंगे अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशन में फाइनली डिवेलप वन और मोर इंडिकेटर्स दैट टैप ऑल द पार्ट्स ऑफ द डेफिनेशन तो हम इसके लिए ज़्यादा इंडिकेटर्स बनाते हैं जिसको हम फिर फाइनलाइज करते हैं स्केल में क्या फॉर इंस्टेंस हमने पहले फिफ्टी इंडिकेटर्स बनाए और उन फिफ्टी इंडिकेटर्स Uh, में से हम फिफ़्टी uh, आइटम्स बनाए और उस फिफ़्टी आइटम्स में से हमने ट्वेंटी फ़ाइव या ट्वेंटी जो है आइटम्स वो अपने फाइनल स्केल में रखे तो जो कंटेंट वैलिडिटी है इसमें अगर हम देखें तो हम कॉन्स्ट्राक्ट का मैयर के दरमियान जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेक कर रहे होते हैं कि uh, जो हमारा कॉन्स्ट्राक्ट है उसकी जो डिफरेंट डायमेंशनस हैं जैसे कि ये डी डायमेंशन वन डायमेंशन टू और डायमेंशन थ्री ये क्या कवर हो रही हैं हमारे स्केल में कि नहीं हमारे मैयर में इसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ बिलीफ अबाउट फेमिनिज्म तो इसको हम कॉन्सेप्चुअली डिफाइन करते हैं परसेंस कमिटमेंट टू अट ऑफ बिलीव क्रिएटिंग फुल इक्वेलिटी बिटवीन मैन एंड वोमन इन एरियाज ऑफ द आर्ट्स इन टलेक्चुअल फैमिली वर्क पॉलिटिक्स एंड अथॉरिटी रिलेशन तो अब इसको मैयर करने के लिए जो आ, आ, स्केल बनाया जाएगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि शुड मैन एंड वुमेन गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क शुड मैन एंड वुमेन शेयर हाउस होल्ड टास्क

तो अगर तो वो सारी डायमेंशन को आपका स्केल कवर कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि आपकी जो कंटेंट वैलिडिटी है वो हाई है, है।